ठीक है हम बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं लेवल टू के। आप लोगों ने आई होप सबने एक बार एक एक बार ट्राई तो किए होंगे, ठीक है? यस सर ट्राई तो। हाँ ट्राई होना चाहिए, हो नहीं हो वो सेकेंडरी है ना, आपकी तरफ से आपको ऑनेस्टली ट्राई करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो छोड़ दो, जितना आप स्ट्रेस लोगे उस क्वेश्चन पे उतने नए मेथड भी जनरेट होते हैं, ठीक है? अब देखो आपको जो भी थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्लियर है? डायग्राम से आपको चीजें क्या होगी क्लियर रहेगी, ठीक है? अब देखो, अ पार्टिकल विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में वो कितना चला 24 मीटर, और नेक्स्ट 4 में कितना चला 64 मीटर। मान लो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए टू बी और बी टू सी। अच्छा ए टू बी का टाइम कितना है सर 4 सेकेंड, बी टू सी का भी कितना है 4 सेकेंड, है ना? अच्छा इनिशियली स्पीड 0 है क्या? नो सर, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने बोल दिया यू। एक्सेलरेशन कितना ले लिया, ए ले लिया। मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इज कमिंग, क्या बोल रहे हो? कंटिन्यू डू सर, सर वो हमें मैसेज आया था सर, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं हाँ ठीक है। हाँ अब देखो ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वेलोसिटी हमने कोई भी बोल दिया वी हुआ, तो हम लिखते हैं ठीक है फॉर ए टू बी के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? A टू B के लिए। अच्छा गिवन बताओ U कितना है? U U A कितना है? A टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। और ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये वाला कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। और ये वाला दिया हुआ है आपको 64, है ना? 64 मीटर। तो देखो आपका और A is equal to कितना दिया है 24। इन इसमें कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा डायरेक्टली लिख दू? वी की जरूरत ही नहीं है ना आपके सेकेंड इक्वेशन में। वन बाय टू ए कितना दिया हुआ है, ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह ले लूं, ठीक है, या फिर इसको कैंसिल आउट कर देते, इक्वेशन हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4u प्लस 8। क्या हो गया बेटा? कल आपने ऐसा सेम मेथड बताया था। हाँ वही मेथड है, ठीक है। अब देखो सेकेंड इंटरवल हम बी टू सी ले या ए टू सी ले बताओ? B2C। देखो बेटा यदि B2C लोगे तो आपको इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि B2C के लिए इनिशियल वेलोसिटी। हाँ तो इसलिए डायरेक्ट वो भी बता देंगे, डायरेक्ट अपन A2C की बात करते हैं, डायरेक्ट A2C। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू ये, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 88 मीटर। और क्या चाहिए हमें, a इक्वल्स टू a, कौन सा इक्वेशन सर? सेकंड वन। 8 इक्वल्स टू 8u, है ना, प्लस 1/2 a। t स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो देखो 88 इक्वल्स टू 8u प्लस 32a। अब देखो ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो a कैंसिल हो जाएगा क्या सर? से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दे, देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, अब देखो मुझे u की वैल्यू चाहिए तो a को कैंसिल आउट कर दूं, मुझे a को कैंसिल आउट करना है, तो देखो मैं इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसका मल्टीप्लाई 4 का। हाँ तो कितना हो जाएगा सर, ये 32 ये हो जाएगा। अच्छा सर 32 करके फिर 32 काट देंगे, हाँ माइनस कर देंगे,
है ना। अब इस इक्वेशन को क्या कर दे, माइनस कर दे, माइनस 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 क्या हो गया सर। लेकिन अपन इंटू के बराबर फोर किया, इंटू करा तो 32 इक्वल करने के लिए किया सर, 32 इक्वल ताकि ये ए हट जाए इक्वेशन से, ओनली यू रह जाए, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस 12 कैसे किया, एक मिनट बेटा देखो, इधर आपके पास टू इक्वेशन है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, पहला है यहां से ए की वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दो, क्लियर है। यहां से ए की वैल्यू निकाल करके हम क्या कर दे, यहां पे पुट कर दे, देखो 24 माइनस 4u है ना, 4u डिवाइड बाय कितना, इक्वल्स टू ए, और ए की वैल्यू उठा करके आप यहां पे पुट कर दे तो कितनी इक्वेशन आ जाएगी, बोलो बोलो क्या इक्वेशन बनेगी, 88 इक्वल्स टू 8u प्लस 32 ब्रैकेट में कितना आएगा, 24 डिवाइड बाय 8। अब इसको 8 को कैंसिल आउट कर दे 32 से, यस सर 8 को 32, यस सर कितना 4। तो अब देखो इक्वेशन बोलो क्या होगी, 88 इक्वल्स टू कितना होगा बोलो, 8u सर, 8u माइनस 96 माइनस 16u, ठीक है। अब देखो 96 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 96 तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, यस सर, और इक्वल टू इधर कितना बचेगा, माइनस 8u, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आ गई बात समझ में, यस सर। हाँ अब देखो ये नोट करना है तो नोट कर लो सर, आप एक बार फिर से बता दो सर। बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे फिर से, ये नोट कर लो फिर मैं दूसरे मेथड से करूंगा। ओके सर, सर कर लिया सर, वेट। हाँ हाँ ठीक है, रुके हैं, ये सर इसका आंसर, हाँ U1 है ना। सर फिर लेवल 3 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देख लेना तुमको पता चल जाएगा। सर लेवल 3 का इक्वेशन से भेज देना, सभी टेस्ट में आएगा सर, इसके लिए देंगे देंगे, लेवल 3 भी देंगे। ये हो गया बेटा, रफ कर दो, यस सर, यस सर, अब यस सर कर दो, सब हटा रहा हूँ, ठीक, नो सर, चलो नोट करो जल्दी से। सर मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे तभी बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। हाँ मतलब समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको इक्वेशन यूज करना है। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में जो आज तक कभी किया ही नहीं हो, है ना। हम सब वैरायटी नहीं कर सकते, बस हाँ हम उनको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो कोशिश करते हैं हम कि सभी वैरायटी, हाँ ठीक है, नाउ यू कैन, हाँ ठीक है। अब देखो देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो वापस से समझ लेते हैं, हमने पहला टू इंटरवल में था डायग्राम बना लिया है ना, फर्स्ट इंटरवल इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोला है तो हमने कितना ले लिया, यू ले लिया है ना, फर्स्ट 4 सेकंड में ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 24 मीटर 4 सेकंड में, नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 64, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दो चीज अननोन थी, कौन कौन सी, एक तो एक्सेलरेशन और फाइनल इनिशियल स्पीड है ना, टू अननोन है तो हमें कितनी इक्वेशन निकालनी है, टू इक्वेशन। तो पहला हम इंटरवल ले लेते हैं ए टू बी, तो ए टू बी के लिए यू, यू है एक्सेलरेशन, ए है टाइम 4 है, और डिस्टेंस जो है वो कितना है 24, इन चारों में कौन सा सेकंड इक्वेशन यूज किया, तो ये इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए हम बी टू सी भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बी टू सी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ए टू बी के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा अप्लाई करनी पड़ेगी, उससे अच्छा हम इंटरवल ए टू सी ले लें। तो ए टू सी लिया तो इनिशियल स्पीड यू है,
फाइनल स्पीड कितना है ना, टाइम कितना है, 8 सेकंड है ए टू सी के लिए, डिस्टेंस कितना 24 + 64 = 88 और एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन यूज करके ये इक्वेशन बनाई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका एक और है ना, यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे एक चीज कैंसिल आउट करना है डायरेक्टली, मान लो यू कैंसिल आउट करना है ए, मुझे यू की वैल्यू चाहिए तो ए को हटाना है, तो ए को हटा करके देखो ये 32 है तो इसको भी क्या बना ले, 32 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 96 = 16u + 32a। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो देखो ये भी 32 है, ये भी 32 है, तो 32a से 32a कैंसिल हो जाएगा तो a हट जाएगा पूरी इक्वेशन में से, है ना। तो 96 = 16u + 32a। अब माइनस करने की क्या प्रोसेस है, सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 88 - 96 - 8 - 16u - 8u 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 - 16u -
ये वाला मेथड अब देखो, हाँ कैसे करते हैं? अब देखो सेकंड वाला किया, सेकंड वाला करते हैं, ठीक है? यस, हाँ सेकंड वाला क्या है? सी आंसर है, सी। हाँ हाँ सी आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको टू डाइमेंशनल क्वेश्चन है वो, ठीक है। सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये ओरिजिन एक्सेलरेटर अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम देख लेते एक्स डायरेक्शन में कितना गया। तो यू कितना है, जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन का, 6 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो एस निकाल सकते हो, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन। एस इक्वल टू यू जीरो है तो जीरो प्लस 1/2 इंटू ए 6 और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 है ना। तो एस इक्वल टू आ जाएगा 48 मीटर, ठीक है। मतलब ये एक्स डायरेक्शन में कितना गया, 48। वाई डायरेक्शन की सेम बात करें, यू कितना है, जीरो। ए कितना है, 8 है ना। टाइम कितना है, 4 और एस निकालना है हमें, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो कितना होगा, एस इक्वल टू जीरो प्लस 1/2, ए कितना दिया हुआ है, 8 और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना आ जाएगा, 64 मीटर, मतलब वाई डायरेक्शन में 64 गया। तो फाइनली वो यहाँ पर है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 64, और ये वाला जो डिस्टेंस गिवन है आपको, ये कितना गिवन है, 48। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये होगा, है ना। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कर लेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम सुना ही होगा मुझे, यहाँ तक पता है ना, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू रूट का, है ना। सर इसमें डिस्टेंस पूछी है, 6400 ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्योंकि दोनों चीज एक साथ हुई है ना, तो उसका एक्चुअल पाथ तो यही है, ऐसा नहीं है ना वो कोई एक्स में गया देन वाई में गया, है ना। प्लस 48 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 16 होल स्क्वायर इनटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर इनटू 3 का होल स्क्वायर। 16 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आंसर कितना, 16 बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर 25 इनटू 5 बाहर आ गया, तो आंसर हो गया 80 मीटर। क्लियर है? यस सर। प्लीज वेट 1 मिनट। हां ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। हां देखो बेटा, कोई भी पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, है ना। तो हमने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वाई का निकाल लिया,
और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि दोनों मोशन एक साथ हो रहे थे। क्लियर है? आ गई बात समझ में सबको? यस सर। सर वो अपन ऐसे वो अपन मतलब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाए, इजी हो जाए उसको हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका बताता हूँ, ठीक है? एक बार y एक्सिस वाला फिर से बता सकते हैं? बेटा y एक्सिस का गिवन देखो u जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ 8 तो 8 लिख दिया, टाइम कितना दिया हुआ है 4 तो 4 लिख लिया, और s हमें फाइंड करना है, तो इन चारों में कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u जीरो है तो इसलिए मैंने उसको जीरो ही लिखा, u इंटू 8 करके जीरो नहीं लिखा है ना, तो 1 बाय 2 a कितना 8 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है? ओके चलो हटा लूं? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन वो कैसे करना है, ठीक है? देखो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, x डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, y डायरेक्शन में कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा 6 और 8 का पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, सर 10 मीटर पर सेकंड, कितना रूट 100 होगा, एक और कितना हो गया 10, ठीक है? तो गिवन ये है हमारे पास एक्चुअल में, u कितना है 0, a कितना है 10, s हमें निकालना है और टाइम इक्वल्स टू 4, तो कौन से इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर, देखो यहाँ पे ना आप लोग यूनिट भी लिखा करो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होती इसलिए मैं यूनिट नहीं लिखता, अदरवाइज यूनिट लिखा करो, ठीक है? ओके सर। अदरवाइज क्या होगा, कई बार किलोमीटर पर आवर में हो गए और करते रहोगे इंटू ए कितना दिया हुआ है 10 इंटू टी स्क्वायर कितना 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 16 तो भी 80, ठीक है? हाँ तो वो मतलब एक्सेलरेशन इस साइड है और ऐसे स्ट्रेट गया, वो कितनी दूर पहुंचा 80 मीटर। क्लियर है? हाँ सर, ये वाला शॉर्ट था सर, डायरेक्टली वो शॉर्ट, ठीक है, इसी डायरेक्शन में गया होगा सर। हाँ इसी डायरेक्शन में गया जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ठीक है? Yes, sir. चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा, थर्ड वाला ये बताऊं सर, इसमें कांस्टेंट है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो भैया कांस्टेंट ही है ना, अपन ने कहा वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ा है, हमारे सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चलो बताऊं क्या सर, थर्ड वाले का आंसर है 8.3, ठीक है? चलो सर आप ही बता दो। हाँ यही बोल दो ना सर, सभी बता दो लाइन से, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। वही क्या है थोड़ा सा अपन, क्या 8.3 गुड है ना, यहाँ पे क्या है ये ए पॉइंट ए, यहाँ पे ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है ना। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब कहाँ आपका फाइंड करना है डी का, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? और यहाँ पे इनिशियली स्पीड नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, जीरो है, तो हमें कितना यू लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना ले लिया ए, है ना? ये वाला कितना टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ये वाला डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और ये वाला जो टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, मतलब ये वाला टाइम है 3 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकंड, है ना? तो देखो बेटा वही हमारे पास 2 इक्वेशन, देखो हमें यदि सी से डी का निकालना है तो ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो देखो हमारे पास बस टी है, हमारे पास बस क्या है 3 फॉर्मूले, ना तो ए है और ना ही यू है, तो हमें क्या क्या चाहिए, यू चाहिए और ए चाहिए,
ये हमको टू अननोन है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशंस चाहिए, तो टू इक्वेशन हम ए टू बी बना लेते हैं और ए टू सी में निकाल लेते हैं, ठीक है? Yes. तो ए टू बी के लिए लिखो, बताओ यू कितना है, यू ए कितना है, पता नहीं, ए ए है, टाइम टाइम 5 सेकंड और एज कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो कितना लिखूं बताओ, डायरेक्ट लिख दूं? ये सर डायरेक्ट लिख दो, थर्ड वाली लगी सर इसमें, क्यों बे, नहीं नहीं सेकंड वाली, तो देखो एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो इक्वेशन बन जाएगी 20 इक्वल्स टू 10 यू प्लस 25 है, क्लियर है सर? सर अपन एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम तक ये अपॉन हट जाए, ओके ओके सर, है ना, अपॉन मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, ओके सर, सर डायरेक्टली उधर 2 ले आया तो 20 नहीं हो जाएगा, तो बेटा एलसीएम लेके पूरे के अपॉन में होगा तभी ना क्रॉस ले जा सकते हो उधर, नहीं समझे, पूरे के अपॉन में होगा तो वही पूरे का अपॉन लेने के लिए इसको 10 बनाना पड़ा एलसीएम लेने के लिए, समझ आ गया, अब बताओ ए टू सी के लिए लिखते, ए टू सी, यू कितना है, यू ए कितना है, ए टाइम कितना है, 8 सेकंड, 8 और डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, तो इक्वेशन कितनी क्या बनेगी बताओ सर, वही सेकंड प्लस 2, ठीक है, 8u प्लस 1/2 a, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, तो देखो 64 से कैंसिल हो जाएगा तो 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 32 प्लस 32 a, हाँ अब देखो अब हमें क्या करना है, u को हटाना है, है ना, u को हटा दे, किसको हटा दे अपन, u को हटा दे, तो देखो अच्छा इस इक्वेशन को पहले क्या करते हैं, इसको अपन थोड़ा सॉल्व करने के लिए, देखो इसको अपन डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, किससे डिवाइड कर दें, 8 से, और इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, पेन नहीं दिख रहा, क्या पेन नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, 80 से 80 ऐड करें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि बाकी नंबर्स में भी तो मल्टीप्लाई कर, सभी में होगा ना, सभी में होगा, लेकिन ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यस सर, है ना, चलो एक और मुझे थोड़ा सा 80 हो जाएगा, हाँ एक और मुझे दिख रहा है, पहले थोड़ा सा इसको है ना अपन डिवाइड कर ले यार, ये कॉमन हो रहा है इसमें, वैल्यू ले लेंगे, हाँ यहाँ पे देखो इससे अपन कॉमन आ जाएगा, हाँ 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ, 4 इक्वल टू 2a प्लस 5a प्लस 5a, कोई डाउट है, इस इक्वेशन को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचेगा, 4 5 से प्लस 8a, अब देखो 2a डायरेक्टली सेम हो गया, हमारा टेंशन खत्म हो गया सर, 5 कैसे किया, अरे a होगा या u है सर, u होगा, अरे u होगा ना, u होगा, ठीक है, ये u होगा, यहां पे भी u होगा, है ना सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक मिनट, हां सर आवाज बहुत कम आ रही है, तो कितना होगा 2u प्लस कितना हो जाएगा यहां पे 4 माइनस 5 माइनस 4 1 2u माइनस 2u तो 8 माइनस 5 है 3 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 अब a की वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो 4 इक्वल टू 2u प्लस 5/3, ठीक है,
अरे भैया मैंने किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू निकालना है, यू की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन में पुट करें बताओ, वन में या टू में? वन में, वन में कर दो, वन में कर देते तो वही तो कर रहा हूँ, फोर इक्वल्स टू टू यू सिक्स अपॉन सेवन प्लस फाइव ए, तो कितना हो जाएगा, फाइव बाई थ्री? यस सर। अब फाइव बाई थ्री 8.3 आ जाएगा। हाँ तो उधर नहीं, 8.3 नहीं आएगा, उधर जाएगा तो देखो 0.83। हाँ देखो उधर जाएगा तो कितना होगा पहले मुझे बताओ, 4 माइनस, पहले कॉमन ले लेंगे तो वो, तो पहले कॉमन लेंगे का कितना हो जाएगा, 12 12 माइनस 5 कितना, 12 माइनस 5 कितना होता है, 7 7 u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7/6 आ गया, ठीक है। अब हमें ए भी पता चल गया, यू भी पता लग गया, तो टोटल 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। यस सर। उसमें से ये, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, क्लियर है? यू कैसे फाइंड किया? क्या बेटा? यू ए की इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, रिकॉर्डेड है। हाँ ठीक है, ए की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन वन में पुट कर दो या इक्वेशन टू में पुट कर दो, कहीं से भी आपको वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है? यस सर। सी के लिए सर सी की बी टू सी की फाइनल वैल्यू हो गई, नीचे या फिर पूरी निकाल लो, ए टू सी की डिस्टेंस निकाल लो 10 सेकंड की, उसमें से ये 20 माइनस कर देना, क्लियर है? चलो फोर्थ में कोई डाउट है? यस सर करवा दो। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेड एक्सेलरेट 2 मीटर देन अंडरगो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 सेकंड। हां ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा मुझे बताओ कोई भी कार एक्सेलरेट हो रही है उसके बाद एक्सेलरेशन बंद हो गया तो फाइनल मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? सर इनिशियल मैक्सिमम होती है फाइनल जी। नहीं नो सर, मैक्सिमम वो होगी जब तक वो एक्सेलरेट होता है, जब तक वो एक्सेलरेट होगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, जब एक्सेलरेशन बंद हो गया उसकी घट जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी, क्लियर है? तो देखो अब अपन इसको करते हैं ऐसा थोड़ा सा, ठीक है, इस डायग्राम को हम ऐसा बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आए। पहले क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर बना लिया, क्लियर है? फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये ग्राफ से दिखा रही हूं। नहीं ग्राफ से नहीं, बस बढ़ रही है घट रही है तो आपको दिख जाएगा ऐसा इजीली, है ना, ताकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिख जाए। अब देखो गिवन लिखो, यू यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड। अब यहाँ तक आने के बाद क्या उसमें एक्सेलरेशन आया? नहीं आया, मतलब उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम समझ में आ गया। Yes, अब नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। आप एक बार फिर से बता दो डायग्राम को। देखो बेटा पहले एक्सेलरेट हुआ 10 सेकंड के लिए तो स्पीड बढ़ी, क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड से चला कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड, और फिर क्या हो गया, डी एक्सेलरेट हो गया, मतलब रिटार्ड हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली कहां पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, क्लियर है? अब देखो वी बी टू सी में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये दोनों स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब इजीली कर लो, चलो ए टू बी के लिए लिखो, यू कितना है, इक्वेशन से कर लेंगे। हाँ यू कितना है, 0, ए कितना है, 2, एस कितना है, हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया हुआ है,
10 सेकेंड. 10 कौन सी इक्वेशन सही रहेगी? सेकेंड. तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा यू जीरो है प्लस वन बाय टू ए टू है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस वन आ जाएगा आपका 100 मीटर. क्लियर है? यस सर. चलो वेलोसिटी, हाँ अब देखो यहाँ से बी टू सी के लिए हमें इस वैल्यू वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम निकाल लेते हैं वी की वैल्यू कितनी होगी. तो जो ए से बी की फाइनल वेलोसिटी होगी है ना, वही यहाँ पे वेलोसिटी होगी. तो डायरेक्टली लिख ले v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यस सर. यस सर. v हमें फाइंड करना है, u जीरो है, a कितना है 2 है और टाइम कितना दिया हुआ है 10. कितनी हो गई? 20 सेकंड. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड है? यस सर. डायरेक्टली यस सर, वो भी 20 मीटर पर सेकंड. डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम लिख दूं मैं? यस सर. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20 है, यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन है. तो देखो गिवन लिखो किसके लिए, C टू D के लिए U कितना है? 0. C पे वेलोसिटी 20 है ना? 20 है. V 0 है, ये आपका माइनस 4 है और S निकालना है. कौन सा इक्वेशन सही रहेगा? थर्ड. या सेकंड में टाइम आता है. ठीक है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. V स्क्वायर 0, U स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर कितना होता है? शायद 400 होता है ना? 400. माइनस 4 इंटू एस, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर. इसको अपन बोल देते हैं. तो कौन सा बेटा? आ गया. चलो सर, 750 मीटर हो गया. बिल्कुल बेटा, यहाँ से आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बी टू सी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्टली हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं. अब देखो एक और चीज बता रहा हूं मैं, ये नोट कर लो पहले. अरे बोलना पड़ता है यहाँ पे मेरे को. चलो ठीक है, जो की तरह सीधे के ऊपर. अरे कौन गुस्सा हो रहा है यार, नोट कर लिया बेटा? यस सर. Yes, और ये क्वेश्चन है ना, मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप लोग है ना खुद से घर पे किया करो. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व हो गए तो हो गए. अब देखो इसमें एक और चीज, तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं मैं. अच्छा ये इक्वेशन है, ये वाला फॉर्मूला सुना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यस सर. अच्छा सेकंड फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है सर? स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट. Yes, तो देखो एस इक्वल टू क्या बन गया, ए जीरो हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया. तो एस इक्वल टू हो गया यू टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो तो गया, वही वाला तो फार्मूला बन गया हमारा. हाँ सर. यस सर, वही. हाँ तो वो जो हम यूज करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वो इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है. कब? जब एक्सेलरेशन जीरो हो. मतलब 10 बजे. हाँ, आ गई बात समझ में? यस सर, आ गई. हाँ चलो सर, सी पूरी कितना होगा? तो आंसर बेटा, एक 100 आया था, एक 600 आया था, एक 50 आया था, तो सब 750. 750. हाँ 300 करना है. ठीक है, ये वाला हो जाएगा बेटा, इजीली हो जाएगा. यस सर, 50 वाला. लेकिन इसमें थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में. ठीक है. यस सर. सिक्स्थ वाला भी टी वाला है ना सर, फिफ्थ वाले का. फिफ्थ वाले का आंसर जो लास्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है वो ये 1 3 5 2 4 6. ठीक है सर, इसका आंसर ए है. हाँ देख लो उसमें जो दिया होगा. नहीं सर. हाँ सर, इसका डी होगा. डी होगा. डी है. डी है. डी होगा है ना. ठीक है, अब देखो ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा. सिक्स्थ वाला भी आपको 3 इंटरवल दिए हुए हैं. कितने इंटरवल दिए हुए हैं? थ्री इंटरवल दिए हुए हैं. तो आपको 5 5 सेकंड के इंटरवल बनाने हैं. कितने कितने सेकंड के?
5 सेकंड के मान लो एक लाइन बना लिया, ठीक है, तो ये वाला ये है ना। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, यहाँ पे टाइम कितना दिया है, ये ए बी सी डी टाइम दिया हुआ है 5 है ना, और डिस्टेंस निकालना है तो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन कोई भी ले लोगे, ए कितना एक्सेलरेशन ए, तो एस वन ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, एस वन एस टू एस थ्री, तो एस वन देखो कितना आएगा, कौन सी इक्वेशन डायरेक्ट थर्ड सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं बेटा, यस सर, तो यू तो 0 है प्लस 1/2, ए कितना दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो एस वन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25a/2 है ना। अब एस टू निकालने के लिए मेरी इच्छा है डायरेक्ट ए टू सी निकाल दो, उसको 25a/2 माइनस कर देंगे, समझ में आया, yes, sir. मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट ए टू सी मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से एस वन माइनस कर देंगे तो हमें एस टू की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म 0 हो रहा है तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, तो एस इक्वल टू 0 प्लस 1/2, ए कितना है, ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो एस इक्वल टू कितना आ गया 50a, ठीक है, अब हमारा एस टू ये वाला माइनस कर दोगे तो एस टू आ जाएगा आपका 25a - 2 तो 75/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75/2, तो एस टू आ गया, ठीक है, फिर एस थ्री निकाल लोगे, एस थ्री कैसे निकालोगे, पूरा ले लोगे डी तक का, उसमें से ये वाला 50 है माइनस कर दो, फिर उनका रेशो देख लेना, क्लियर है, ओके सर, है ना सर, 75a/2 कैसे हुआ समझ, अरे भैया 50a माइनस 25/2a माइनस करो, कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, ओके सर, ओके 100a, सर मुझे लगा 50a/2 है, ठीक है, ए बाय टू नहीं है ना, देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, आ गई बात समझ में, हो जाएगा 6th, यस सर, हाँ सर, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, देखो सर, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन, हाँ बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो बोलो बेटा, सेवेंथ वाला हो जाएगा, सेवेंथ वाले का आंसर देखो मैं लिख देता हूँ, ये आया सबका, सर आप सेवेंथ वाला बता दो, सेवेंथ वाला वही क्वेश्चन है जो सर, हमने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे हैं सेवेंथ वाला, सर अपन ने करा था सर मिड पॉइंट, हाँ हाँ वही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसमें वैल्यूज नहीं दी, ठीक है सर, आर यू लिसनिंग टू मी, हाँ बोलो बेटा सुन रहा हूँ, सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कौन है ये, कौन पूछ रहा है ये, सर कोई आ रही तो कोई, सर बाप से बच्चे का सर अभिषेक कोई कर रहा है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे, सर आपकी वीडियो हैक हो चुकी है, अब आप हमें होस्ट बना दें, सर केमिस्ट्री की क्लास में भी कल आ गए थे, स्नेहा सिंह एक मिनट, सर कौन है जो हैक हो चुकी है, कर रहे हैं सर, हैकर है कोई, तुम्हारे कोई भाई बंधु हैं जिन्होंने तुम नहीं, सर सर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, ये जूम की पता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, उसने झूठा नाम ले लिया, अरे इधर देखो ये आरती इंटर करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है सर नहीं करना, अच्छा अब देखो बेटा ये हुआ, यहाँ पे स्पीड कितनी है, यू दी हुई है, यहाँ पे स्पीड v दी हुई है, मिड पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये वाला डिस्टेंस हम कितना ले लें, x ले लें, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, क्लियर है, तो यहाँ पे स्पीड हम कोई भी क्या ले ले, कोई भी स्पीड हमने ले लिया कैपिटल v ले लिया, तो सिंपल सा वही वाला इक्वेशन लगा लोगे ना बेटा जो हमने उस दिन किया था,
सर कल ही तो करा था। हाँ तो वही वाला कर लोगे बेटा, किसका डाउट था ये? किसी का नहीं था, है ना, सेवंथ वाला। तो इजीली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ए ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से दोनों का ए वन इक्वल टू ए टू कर दो, ए वन इक्वल टू ए टू कर दोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से इजीली आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ओके सर। तो आंसर्स रिवर्स में है या सीधे में है? बेटा बता तो दिया, आंसर ये सीक्वेंस है 1 3 5 2 4 6, क्लियर है? ओके सर। हाँ ठीक है, अब देखो, चलो अब देखो, मान लो कोई एक पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, क्लियर है? किसी पार्टिकल ने क्या किया, मोशन स्टार्ट किया। ये आपका दिया हुआ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कोई भी है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे दिया हुआ है टाइम। तो फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर, 2 सेकंड में 5, 3 सेकंड में 10 मीटर, है ना। अच्छा अब ये बताओ, ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड सेकंड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड सेकंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, क्या बोलते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? चली गई थी मैं। अच्छा आ रही है सर आवाज। ये आपका फर्स्ट सेकंड है, ये आपका सेकंड सेकंड है, ये कौन सा सेकंड है, थर्ड सेकंड है। तो अब डिफरेंस समझ में आया, 2 सेकंड और सेकंड सेकंड में डिफरेंस समझ में आया? टू सेकंड मतलब 0 to 2, 2 सेकंड का मतलब क्या होता है, 0 to 2, और सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 2 के बीच का जो टाइम होता है ये आपका सेकंड सेकंड होता है, ठीक है। फोर्थ सेकंड कौन सा होगा, हाँ 3 और 4 के बीच का, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ सेकंड, क्या बोलते हैं, फोर्थ सेकंड, है ना। अब अच्छा बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर है, 2 मीटर, ये वाला 3 मीटर, ये वाला 5, ये वाला 8 मीटर। तो देखो क्वेश्चन यदि आएगा कि आपने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 18 मीटर। अच्छा फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 मीटर। तो 4 और 4th का डिफरेंस समझ में आ गया, यस सर। फोर्थ मतलब 3 के जस्ट बाद से 4 तक का जो टाइम होता है उसको हम माने सर, फोर्थ इंटर वाले वाले को बताना है, ठीक है। और फिफ्थ 5 मतलब अब यदि आपको बोल दिया 6th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, 6th सेकंड का, तो आंसर कितना होगा, 20 मीटर। और 6th सेकंड का 50 मीटर। तो यदि हमें सेकंड का सर 20 कैसे आया बेटा, 30 है ये वाला जो टाइम है, ये आपका 6th सेकंड है ये टाइम, तो कितना हो गया 20। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 6th सेकंड का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 सेकंड का निकाल के माइनस 5 सेकंड का माइनस कर देते हैं। 6 सेकंड का निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 सेकंड का कितना आया, 20 माइनस, ठीक है, 5 सेकंड का कितना आया, 20। आंसर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। चलो वैसे ही हमें 5th सेकंड का निकालना, हाँ 5th सेकंड का निकालना, 50 में से 30 माइनस करेंगे ना, हाँ 30, ठीक है। 5th सेकंड का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 सेकंड का कितना, 30 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो अब समझ में आ गया 5th और 5th, हमने 2 सेकंड में सर 0 माइनस 2 क्यों लिखा सर, 2 माइनस 0 होगा ना, तो 2 माइनस 0 तो 2 मीटर ही तो आएगा 1st सेकंड का, नहीं ये तो बताया टाइम बताया, सेकंड डिस्टेंस नहीं है सर वो आपने पहले सही बताया था सर, वो 20 मीटर ही था सर, वो 30 नहीं है, ये 30 मीटर है, आंसर 20 है, ठीक है। देखो ये 2 सेकंड का मतलब बताया था, 0 से 2 सेकंड तक का टोटल टाइम आता है 2 सेकंड, और सेकंड सेकंड मतलब 1 से लेके 2 तक का जो टाइम है वो है सेकंड सेकंड, क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो,
ओके अब 8 सेकंड का निकालना है तो हम क्या निकालेंगे 8 सेकंड का माइनस 7 सेकंड का माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस सर ये कल के टेस्ट में आएगा नहीं ना या कितनी बार पूछोगे एक्सेलरेशन तक के पहले तक का सब कुछ आएगा ये समझ में आया बेटा आपको सर बस इतना ही लिखना है तो ये निकालोगे ना तुम 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालो 7 सेकंड का डिस्टेंस निकालो दोनों को माइनस करो बाय बाय सर पर डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है ना स्ट्रेट जा रहा है तो सर 5 मीटर देखते हैं देखो सर 30 मीटर देखो यू कितना होगा 0 ए दिया है 4 एस दिया है आपको निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है 8 कौन सा इक्वेशन सही रहेगा सेकंड लगाओ सेकंड इक्वेशन एस 8 एक ना 8 लिख देते हैं ताकि याद रहेगा यू कितना है 0 इंटू 8 प्लस 1 बाय 2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर कितना आएगा 64 तो आंसर हो जाएगा एस 8 कितना आ जाएगा 62 into 128 आएगा यस सर ये 128 माइनस अब एस 7 का निकालेंगे वापस से यू कितना है 0 ठीक है ए कितना है 4 है एस 7 कितना है हमें फाइंड करना है और टाइम कितना है 7 सेकंड है कैसे निकालो सर सेम करना है हाँ तो एस 7 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 ये कितना है 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 है ना तो कितना आ जाएगा 98 माइनस करो कितना बचेगा 30 ठीक है अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है एक नया फॉर्मूला इसको बोलते हैं एस एंथ क्या बोलते हैं एंथ सेकंड का निकालने के लिए ये फॉर्मूला है u प्लस a बाय 2 टू एन माइनस 1 किसी भी सेकंड का हो सकता है एंथ सेकंड का निकालने के लिए n क्या है कौन से सेकंड का हमें निकालना है ठीक है तो अब यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं u कितना है u है 0 a कितना है 4 a 4 बाय 2 n कौन से सेकंड का निकालना है हमें 8 माइनस 1 कितना आएगा देखो 30 आ रहा है 30 आया तो इस तो ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन यस सर फोर्थ वाले में लिख लो सर हाँ तो फोर्थ वाले में ये लिख लो ठीक है yes, तो समझ में आया इसको कैसे अप्लाई करना है अब देखो ये इक्वेशन वही है बस हमें दो बार अप्लाई करना था तो हमने एक सिंपल सा इक्वेशन बना लिया है ना तो ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन समझ में आ गया ना कैसे अप्लाई करना है u प्लस a बाय 2 टू एन माइनस 1 ये हो गया एंथ सेकंड का डिस्टेंस क्लियर है व्हाट इज फिफ्थ इक्वेशन क्या फिफ्थ मान लो मैं फिफ्थ सेकंड का निकालना है तो n की वैल्यू 5 रख दो बस वो सर वो बोल रहे फिफ्थ इक्वेशन वो x को 5 फिफ्थ इक्वेशन भी आएगी धीरे धीरे बताएंगे फिफ्थ इक्वेशन भी ठीक है सर फिलहाल ये तो कर लें हाँ क्लियर है यस सर पहले पहली तो अब बेसिकली ये कोई इक्वेशन कोई मतलब हमने बस दो इक्वेशन को माइनस करके इक्वेशन बनाया है ठीक है हमने कोई ऐसा कोई वो नहीं किया इन्वेंशन सर ये भी न्यूटन इक्वेशन है हाँ नहीं अब लिख लो यार उसको मैं क्या बोलूं न्यूटन ने तो नहीं बनाया था ये एक ट्रिक टाइप का है हाँ ठीक है ट्रिक टाइप का शॉर्टकट हाँ सर वेटिंग रूम में एक शौर्य सिंह रोल नंबर 219056 है उसे हाँ, एंटर कर दीजिए कर लिया बेटा है ना ओके थैंक यू क्लियर है यस सर हाँ एन सेकंड का आए तो कंफ्यूज मत होना फिफ्थ सेकंड मतलब
फोर से लेके फाइव तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं फिफ्थ सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये क्या था कि ये एक चोर था, ठीक है। चोर को देखा पुलिस ने, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जैसे ही देखा पुलिस ने क्या किया, गाड़ी में बैठे और उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। आ गई बात सुनने? अब स्टार्ट किया मतलब इनिशियल स्पीड उनका जीरो था और उनकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। और जब देखा चोर कितनी दूर था सर, हाँ 400 मीटर। बोलो बेटा, ठीक है तो बताओ। हाँ बोलो सर, मेरे नाम से कोई, अभिषेक अग्रवाल के नाम से कोई एक और आ गया मीटिंग में। यस सर, कोई आ गया सर। एक मिनट लीव कर दिया उसने, सुन लिया सर आपने। सर मेरे को मीटिंग में से क्यों निकाल दिया था पता नहीं यार बेटा, मैंने नहीं निकाला होगा सर। आपने निकाला था क्योंकि मेरा, फिर आपने कोई ने बोला था आदित्य गोयल, फिर आपने मेरे को मीटिंग में से निकाल दिया था। फिर दूसरा वो गलती से निकल गया होगा, सॉरी यार, है ना। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस कितनी देर बाद पकड़ेगी और कितना दूर जाके पकड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हम ये अज्यूम करते हैं चलो यहां जाके पकड़ लिया, यहां जाके क्या कर लिया, पकड़ लिया, मतलब टीफ भी आ गया और पुलिस भी आ गई। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? तो मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो पुलिस ने कितना किया होगा, 200 प्लस x, है ना, 200 प्लस x। हाँ, कितने टाइम के बाद पकड़ लिया, t सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद। तो देखो थीफ के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 20t लिख सकता हूं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म, क्योंकि क्यों, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मुंह भाग रहा है चोर। और पुलिस के लिए, पुलिस के लिए कितना होगा, 200 प्लस x, है ना, इक्वल टू ut, u कितना है, 0 इनटू t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, 4 इनटू t स्क्वायर, ये आएगा। पुलिस का समझ में नहीं आया, पुलिस का एक्सेलरेटेड मोशन है ना बेटा, तो ut प्लस 1/2 t स्क्वायर यूज करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन 2t स्क्वायर। हां क्योंकि पुलिस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 200 तो किया ही किया, और चोर जितना भागा उतना भी पुलिस करेगी, तो 200 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर। यस सर, है ना। yes, अब यहां पे x की वैल्यू इधर रख दे, हां तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20t इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, हां 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 20t कैसे हो, चोर की वैल्यू समझ गया, ठीक है। तो कितना होगा, 10t इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन पुट इन लाइक दिस, माइनस d प्लस माइनस रूट, हाँ माइनस डी स्क्वायर एंड देन 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये मैंने एक वैल्यू लिया था, हो सकता है इसमें अच्छे से वैल्यू आए, अदरवाइज रूट में ही आए, ठीक है सर। हाँ सर, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, 10/9 होगा, 10/9 हो सकता है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू ऐसे रेंडम लिया था, ठीक है। इसको सॉल्व शायद ये नहीं होगा, है ना सर, 100 को उधर भेजेंगे, टी का स्क्वायर उधर कर देंगे तो 10 आ जाएगा। नहीं 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 सर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, ठीक है। लेकिन उनका मल्टीप्लाई 100 नहीं हो रहा ना बेटा। Yes, sir. सर अगर सीधे सॉल्व कर देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा।
हाँ नहीं ऐसे इसको सॉल्व करने का तरीका आप शायद पढ़ोगे, ये वाला फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस फोर ए सी, आंसर आया है पॉजिटिव में, डायरेक्ट एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव वाला रखना है। सर ये श्रीधर आचार्य मेथड भी है, ठीक है। हाँ तो इससे आपको सॉल्व करना है, वहां से आपको टाइम का वैल्यू आ जाएगा, एक पॉजिटिव आएगा क्या,